वैभवशाली परंपरा असलेल्या गणेशोत्सवाची सांगता उद्या शुक्रवारी दिनांक 9 सप्टेंबर रोजी दिमाखदार विसर्जन मिरवणुकीने होणार आहे। या सोहळ्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज असून नागरिकांनी देखील पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन अकोला पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर यांनी अकोलेकरांना केले आहे। 31 ऑगस्ट से लेकर 12 सप्टेंबर तक पूरा अकोला डिस्ट्रिक्ट में गणपति महोत्सव का शुरू है, बंदोबस्त शुरू है। ऑलरेडी स्थापन का बंदोबस्त हो चुका है। अभी 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अलग अलग ठिकाने में विसर्जन का बंदोबस्त शुरू होने वाला है। उसमें 9 तारीख को सबसे इम्पोर्टेंट बंदोबस्त अपने शहर का विसर्जन बंदोबस्त। उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट का बंदोबस्त के अलावा बाहर से SRPF का 2 कंपनी प्लस 1 प्लाटून, सो लगभग वो एक 225 लोग के आसपास आ जाते हैं। और होमगार्ड का 700 पुरुष और 100 महिला होमगार्ड उनका भी हमको मिला है। और 75 रेलवे पुलिस का कर्मचारी और 75 रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल प्लस 4 DYSP और 5 PSI, ऐसे बाहर का बंदोबस्त मतलब अकोला पुलिस के व्यतिरिक्त इतने बंदोबस्त हमें मिला है। तो उसके अलावा बाकी हमारा रेगुलर प्रिवेंटिव एक्शन मंडल का मीटिंग, मंडल का विजिट, कोई पदाधिकारी हैं उनके बारे में उनको सूचना देना, बाकी इतर रूट मार्च और इसका रूट इंस्पेक्शन सारे प्रकार का हुआ है। आज भी शाम को 8 तारीख को शाम को 5 बजे अपने गणपति विसर्जन का मेन रूट है जैन चौक से लेकर गणपति घाट तक, वहाँ हम खुद रूट मार्च देने वाला है। सो इस प्रकार का पुलिस की तरफ से सारे तैयारी हो चुका है। 2 साल के बाद ये गणपति महोत्सव का विसर्जन मतलब मिरणुक होने वाला है। सो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सारे तैयारी हो चुका। सो मेरा एक सूचना और विनती भी SP करके पब्लिक को और गणपति मंडल को, आप सेलिब्रेट करे हैं लेकिन आप बाकी इतर किसी को दिक्कत के बाद चलो फेंक होना चाहिए, इस प्रकार का उसका उस प्रकार का आप लोग आपकी तैयारी करिए एंड डिपार्टमेंट को सहकार्य करिए। थैंक यू।